हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज आप सबसे मैं बात करने वाला हूं एडवाइस के बारे में। क्या हम अपनी जिंदगी में एडवाइस लेना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हम एडवाइस किसी एडवाइजर को ढूंढते हैं जो हमारी मदद कर सके। और चलो मान लेते हैं यही बात नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होती है। जब किसी प्रोस्पेक्ट को कोई अप्लायंस जो है एक अच्छा प्लान देता है, सब कुछ समझाता है कि आपको इस बिजनेस में ये फला फायदे होंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक डाउट को क्लियर करने के बाद उस शख्स बस लास्ट में एक ही चीज़ बोलता है, घर पे पूछ के बताऊंगा। दोस्तों, ये बिजनेस एक अलग बिजनेस है। इस बिजनेस के बारे में एडवाइस हम उसी शख्स से ले सकते हैं जो इस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानता है। अगर हम अपने घर पर किसी चाचा पापा किसी से भी एडवाइस लेते हैं तो उन शख्स को उन पर्सन को इस धंधे के बारे में नॉलेज नहीं है। चलो मान लेते हैं कि आप फिल्म देखने जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में, आप 3 घंटे की मूवी को देखते हो और बाहर आकर अगर आपको उसी मूवी के एक एक पॉइंट को बताना हो तो क्या आप बता सकते हो? नहीं। बस हम यही कह सकते हैं कि आप भी इस मूवी को देखो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ जिंदगी में यही होता है कि हम उन पर्सन से एडवाइस लेने लगते हैं जिस पर्सन को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती। आप मान लो कि आपको अगर यहाँ से दिल्ली मुंबई कहीं पर भी जाना है, मान लेते हैं कि आउट ऑफ इंडिया की बात करें कि दुबई जाना है आपको, लंदन जाना है, सिंगापुर, कैलिफोर्निया, कहीं पर भी जाना है, तो क्या आप उस शख्स से एडवाइस लोगे जो कभी गांव से बाहर ही नहीं निकला, या आप उस शख्स से एडवाइस लोगे जो इन सारी जगहों पर घूम चुका है? अगर आप चाइना जाना चाहते हो या मान लो आप अपने देश के श्रीनगर में जाना चाहते हो, तो क्या उस शख्स से आप एडवाइस लोगे जो साउथ इंडिया घूम के आया है, नॉर्थ इंडिया के बारे में नहीं जानता? दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, अगर हम उसी पर्सन से एडवाइस लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी हमारे एडवाइज़र तय करते हैं। आज जो भी हम हैं वो अपने एडवाइज़र की वजह से हैं। हमारे एडवाइज़र कैसे हैं, हमारे सलाहकार कैसे हैं? दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आप सलाहकार आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने एडवाइज़र को आपकी ज़िंदगी में जो भी काम का होने वाला है, जिस चीज़ के बारे में आपने टारगेट बांधा है, सबसे पहले आप सर्च करो कि उस क्षेत्र में कितने लोग महारथी बने। अगर आप 10 लोगों के नाम फाइंड आउट करते हो तो कम से कम 1 लोगों से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जाके मिलो, उनसे बातें करो, साथ में जाओ, डिनर करो, चाय पियो, उनसे नॉलेज लो कि आप इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचे। जब तक आप उनके संगत में नहीं आओगे, जब तक आप उन्हें अपना गुरु या अपना एडवाइज़र नहीं मानोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, आज से अपनी ज़िंदगी में एडवाइज़र को बहुत ही सहूलियत से, बहुत ही आराम से चूज करना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। और अगर आपके एडवाइज़र अच्छे हैं तो आपकी ज़िंदगी को अरबपति या मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्प जीत हमारी हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।